इस यात्रा का मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा संदेश है। अब इस संदेश से घबरा करके गुजराती थैली के मालिक लोग, गुजरात के शहंशाह लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे साइकोलॉजिकली कैसे थोड़ा सा तेजस्वी को घेरने की कोशिश की जाए कि तेजस्वी यादव ने आज के दिन में जो लंबी लकीर खींची वो बिहार में अब उसी पे राजनीति होगी, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा पे नहीं। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मंदिर में खड़े इंसान को भी शिक्षा चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को भी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखे भजन न होइए गोपाला। और मैंने देखा है उन सपनों को जो युवाओं के सब आंखों में है, उन्हें लगता है तेजस्वी नहीं होंगे तो नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, नई सोच नहीं होगी, नया भरोसा नहीं होगा। नौकरी मतलब तेजस्वी, चिकित्सा और अस्पताल मतलब तेजस्वी, आंगनबाड़ी रसोईया ममता आशा की मांडे बढ़ोतरी कौन तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी। साथियों सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आप तमाम साथियों का धन्यवाद कि 20 तारीख से शुरू हुई जो तेजस्वी जी की जन विश्वास यात्रा थी उसको आप सब ने बड़ी खूबसूरत और संजीदगी से कवरेज दिया। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जी, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि जो महती जनसभा हुई, जो सड़क पे उबाल था, उन सब को आप लोगों ने अपने हिसाब से दिखाया और संदेश दिया, पटना की सत्ता को भी और दिल्ली सल्तनत को भी। 20 तारीख फरवरी को सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये यात्रा 1 मार्च 3 बजे सुबह तक चली, जनसभाएं हुई प्रारंभिक चरण में और दूसरे चरण में नुक्कड़ सभा रोड शोज हुए, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा कवर किया गया, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा, तकरीबन 17 से 18 घंटे सड़क पर हुआ करते थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और सड़क पर हुआ करती थी लाखों लाख की जनता। उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर के बांग्लादेश बॉर्डर तक, नेपाल बॉर्डर से लेकर के ये केंद्रीय बिहार तक लाखों लाख लोग, और तमाम वो लोग जो कहते थे अरे ये छोटा समर्थक समूह है, हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग और खास तौर पर युवा सड़कों पर थे। महिलाओं की भागीदारी जो हमने देखी है, 2:30 बजे सुबह, 2:30 बजे रात कहिए, वो सड़कों पे खड़ी है एक झलक के लिए, इस ललक के साथ कि जिस राजनीति की शुरुआत लोकनीति की शुरुआत तेजस्वी जी ने बिहार में कर दी है उसके प्रति एक उफान। तबियत ठीक नहीं थी नेताजी की, 10वें 8वें 9वें 10वें दिन दवा खा खा करके हर नुक्कड़ पे पटना पहुंचते तक रुकते रहे। अब क्या है कि कई दल पीआर एजेंसी हायर करते हैं, तेजस्वी जी की पीआर एजेंसी बिहार के युवा हैं, गांव गांव, चौक चौक, सड़क सड़क पूछिए नौकरी मतलब। मैं गारंटी देता हूं तेजस्वी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा, नौकरी मतलब तेजस्वी, चिकित्सा और अस्पताल मतलब तेजस्वी, आंगनबाड़ी रसोईया ममता आशा की मांडे बढ़ोतरी कौन तेजस्वी, भरोसा मतलब तेजस्वी। तो भरोसे का पर्याय इस पूरी यात्रा में, ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मैं खुद उस यात्रा में रहा हूं 11 दिन और मैंने देखा है उन सपनों को जो युवाओं के सब आंखों में है, उन्हें लगता है तेजस्वी नहीं होंगे तो नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी नहीं होगी, नई सोच नहीं होगी, नया भरोसा नहीं होगा। तो ये इस यात्रा का मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा संदेश है। अब इस संदेश से घबरा करके गुजराती थैली के मालिक लोग, गुजरात के शहंशाह लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अरे साइकोलॉजिकली कैसे थोड़ा सा तेजस्वी को घेरने की कोशिश की जाए, लेकिन तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी है।
जिस मुख्यमंत्री ने बिना कारण हमसे विलग होने का निर्णय लिया, एक कटुता का शब्द नहीं, आदर ही आदर, सम्मान ही सम्मान, क्योंकि इन्होंने हर वर्ग समूह और जाति समूह का भरोसा जीता है। और यह भरोसा हवा में नहीं पैदा हुआ, यह भरोसा एक काम की विरासत के साथ, और वो विरासत आप सबको स्पष्ट है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस बात को समझते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज के दिन में जो लंबी लकीर खींची वो बिहार में अब उसी पे राजनीति होगी, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा पे नहीं। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि मंदिर में खड़े इंसान को भी शिक्षा चाहिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को भी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, भूखे भजन न होइए गोपाला। अलग अलग संदर्भ में लगातार इस बात को वो करते रहे। ये लोगों का जो उफान है, जो उबाल है, जो सुबह 9 बजे से रात के 4 बजे तक सड़कों पे हमें दिखा, गांवों में दिखा, महिलाओं की आंखों में दिखा, युवाओं की आंखों में, नजरों में दिखा अपने महबूब नेता के लिए, उसकी परिणति जन विश्वास रैली कल, ये जन विश्वास यात्रा की परिणति है। और इस यात्रा में जो भरोसा और प्यार मिला, मैं उसको भीड़ नहीं कहता, आपसे भी आग्रह करूंगा भीड़ मत कहिए, भीड़ से उस संवेदना का पता नहीं चलता है जो वो लोग हैं। वो लोग आंखों में सपने लेके आ रहे हैं भरोसे के साथ, उन्हें तेजस्वी आज चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, आज और अभी, चुनाव कभी हो उन्हें आज और अभी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि कल की रैली अभूतपूर्व होगी, क्योंकि हम स्पॉन्सर्ड रैली करते नहीं है, प्रायोजित रैली करते नहीं है, हमारे समर्थक समूह विशाल पैमाने पर, मैंने कहा ना बांग्लादेश बॉर्डर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर और नेपाल से लेकर के केंद्रीय बिहार, कल सारे लोग आपको गांधी मैदान में राजनीति की नई इबारत, दिल्ली की सत्ता को भी संदेश देने के लिए और बिहार की भी सत्ता को संदेश देने के लिए इकट्ठा होंगे। मैं समझता हूं इसके अलावा अगर आपको मतलब ये बात मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग इसको नजर में रखिए कि जो व्यक्ति 16, 17, 18 घंटे सड़क पे रहा किस भरोसे पे, नौकरी नौकरी, युवा कुछ नहीं सोच रहा, युवा सोच रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी, आप उल्टा करके पूछो तेजस्वी मतलब तो नौकरी। ये चीज मैंने कहा पहले भी कि पीआर एजेंसी ने नहीं किया, ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से युवाओं को काम देख करके ये घर घर ये एहसास हो। देखिए नहीं 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद शनै शनै हम कोशिश करेंगे, चूंकि लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, तकरीबन 4:30-5 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। एक 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 बात आपको स्पष्ट कर दूं, आपका ये सवाल, ये महागठबंधन बिहार की रैली है, महागठबंधन बिहार की रैली है, हमने किसी को अलग से इनविटेशन या सच नहीं भेजा है, जो भी लोग शिरकत करना चाहेंगे उनका स्वागत है, लेकिन इसका मूल चरित्र है महागठबंधन बिहार की गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली। आज और अभी चाहिए दूसरी तरफ आपके विधायक आगे किसी तरह जो आरजेडी बिखर रही है कैसे बचाएं? अव्वल तो पहली बात आरजेडी का मिजाज बिखरने वाला नहीं है, फिनिक्स की तरह उठते हैं। 13वीं आपको याद नहीं होगा, मैं बता दूं विधायक तोड़ने की कोशिश हुई थी, कुछ उन्हें हुआ नहीं, और बड़ी फोर्स बनकर के हम आए। मैंने आपको अपनी बातचीत के क्रम में कहा था कि गुजरात के जो शहनशाह लोग हैं, शाह लोग थैली वाले, वो सोच रहे हैं कि अरे तेजस्वी की यात्रा से जो ये करंट पैदा हो रहा है पूरे बिहार में, उस करंट को मीडिया मैनेजमेंट में कैसे किया जाए। तो आपने एक विधायक, दो विधायक और जो भी लोग आप में जानते हैं, 191, 192, 10th शेड्यूल, इसमें से किसी की सदस्यता बचेगी क्या? दल टूटने के लिए 2/3 चाहिए, ये सदस्यता क्या करेंगे? हम तो स्पीकर साहब को कह रहे हैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से, इस गुनाह के भागीदार मत बनिए, हमने दरखास्त डाली है, उन सब की मेंबरशिप जानी चाहिए, जैसे अलग अलग राज्यों में हुआ, अभी हिमाचल में हुआ है,
6 की सदस्यता गई है। तो स्पीकर साहब निर्णय लेंगे, मुझे पता है वाजिब निर्णय लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो देश में एक सर्वोच्च, आपने मेरे सवाल पूछा तो सुन लीजिए पूरा जवाब, सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया जितने भी जजमेंट है अरुणाचल से लेकर के यहां तक, उसमें इन विधायकों की सदस्यता जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसी क्षण खारिज हो जाएगी। अब दूसरा सवाल, देखिए मैंने आपको कह दिया महागठबंधन बिहार की रैली है, जो अभी रैली का प्रारूप क्या होता है, हर रैली का एक प्रारूप होता है, एक संदेश देना, और वो संदेश जाएगा, वो अभी तय हो जाएगा, अभी नहीं नहीं अभी तय हो जाए। मैंने आपको बार बार कहा, इसको स्मरण रखिए, ये महागठबंधन बिहार की रैली है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं, ठीक है, नहीं उनको वो आएंगे, आपको तुरंत खबर हो जाएगी, आपको तुरंत खबर हो जाएगी। विश्वास रैली यात्रा से पहले आज मोदी जी की रैली है, मोदी की गारंटी रैली कह लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ में हैं। 18 महीने बाद एक आज बहुत दिनों बाद करीबन 20 महीने बाद दोनों एक 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 पेज को डायस। देखिए वो किसके साथ डायस शेयर करें नीतीश जी, ये उनका विवेक है, वो करेंगे, मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो करें। आपको ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने सदन के अंदर भी कटुता का एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ना नीतीश जी के लिए, ना जो हमारे विधायक चल करके उधर चले गए। क्या कहा उन्होंने तमाम विधायकों से, जो भी आपकी डील हुई हो आपको मिले मैं प्रार्थना करता हूं, और अगर दिक्कत हो तो तेजस्वी है। ये विशाल हृदय संभव नहीं है आज की राजनीति में। तो उस संदर्भ में मैं आपके एक एक करके आप लोग अगर ऐसा करेंगे, इनका सवाल खत्म नहीं हुआ था, मुझको एक ले ली। देखिए आप, मैं चाहता हूं डेमोक्रेटिकली आपके भी सवाल लो, एक मिनट मैं आपके सवाल को दूसरे हिस्से को, पीएम आए देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन हम उनसे हमेशा अपेक्षा करते हैं कि जब सड़क का उद्घाटन करो ना तो वो सड़क बनी हुई भी हो। अभी हमने सुना है नवादा जहानाबाद, उस सड़क का उद्घाटन हो रहा है, आप चल के देख लो वो सड़क कहाँ है, और उद्घाटन की हुई चीजों का उद्घाटन ना करें। और देश के प्रधानमंत्री को उस पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके इतर हमें कुछ नहीं कहना। अभी इंतजार करिए ना, अभी बहुत बड़ा चुनाव लोकसभा का है, आपको सारे सवालों की आबरू उसी में छिपी हुई है। नहीं देखिए, ये शंखनाद वगैरह जो मुहावरा है ना, ये प्रधानमंत्री जी के लिए रखिए, हमें शंख वंख नहीं बजाना है, हमें जनता के बीच में जो उभार है तेजस्वी जी के लिए, उसको ही लोगों के समक्ष रखना है कि यही विकल्प है राज्य में और यही विकल्प है देश। एक सवाल सर, आपके बागी विधायक चेतन आनंद ने आप पर कल आरोप लगाया कि तेजस्वी के तीन पीए मनोज झा, संजय यादव और प्रीतम जी के वजह से पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, आप पर भी आरोप लगाया। एक मैं नहीं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, युवा है हमारा दल, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, किन मुश्किलों में आए थे, कुछ भी दिक्कत हो फिर आना, मैं हूं ना, वही मैं कहूंगा, शुभकामनाएं वो आबाद रहे। नहीं नहीं देखिए, आप शंख गणेश इन सब जो शब्द है ना, इनको विलग करके सीधी सी बात है, इस पार्टी का एक सोच है, एक समझ है, और आने वाले चुनाव में आपको उसका असर दिखेगा। थैंक यू।